हेलो फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी केमबॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, टेक्सटाइल्स केमिकल्स बनाती है, एडहेसिव्स के केमिकल बनाती है। इसका आजकल क्लोजिंग था 220 रुपये और 52 वीक हाई था 285 रुपीज़। तो दोस्तों, ये कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसके शेयर मैंने आज बाय किए 215 में, कल भी बाय करने वाला हूँ मैं। कल आज फिर मुझे पछतावा हुआ कि मैंने कम बाय किए, पर मैं दोस्तों एवरेजिंग करता हूँ, मैं एक साथ पूरी क्वांटिटी नहीं उठाता हूँ, मार्केट का स्टडी करता हूँ, फिर देखता हूँ उसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज मैंने आधी क्वांटिटी बाय की है और कल पूरी क्वांटिटी बाय करने वाला हूँ मैं इसके अंदर। इसका पी है 13 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ईपीएस है 16 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01, मतलब डेट फ्री कंपनी है। और इसमें देखिए दोस्तों, ये कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आने वाला है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर का इसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, 30 अक्टूबर को। और सबको इसमें काफ़ी होप्स है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में ही 4-5 दिन में हो सकता है 250 के लेवल पे दिखा दे। तो इसलिए स्विंटेन के हिसाब से भी केमबॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। काफ़ी कम रेट में मिल रहा है अभी, है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर भी है। और इसका प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 66% है, जो कि अच्छा है। और FII का होल्डिंग है 0.28%। दोस्तों, FII ने सेप्टेम्बर में इसमें एंट्री ली है, इसका मतलब FII को यहाँ से इसकी ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत लग रहे हैं, इसीलिए उसने एंट्री ली है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है इस शेयर के लिए। और DII का होल्डिंग है 0.61%। तो इसीलिए केमबॉन्ड केमिकल्स लिमिटेड को आप जरूर कंसिडर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म। और इस बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।